हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी पनीर। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, चलो देखते हैं। 250 ग्राम पनीर, एक मीडियम साइज का प्याज, एक छोटी हरी शिमला मिर्च, एक छोटी पीली शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का टमाटर, इन सबको हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। 10 पीसेज लहसुन और आधा इंच टुकड़ा अदरक को हमने दरदरा पीस लिया है। 1 कप टमाटर की प्यूरी, 1 कप फ्रेश क्रीम, 3 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। एक कढ़ाई लेकर हमने उसे गैस पर चढ़ा दिया और गैस ऑन कर दी है, और अब हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, अब हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी लगभग 1 मिनट तक हम पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, और हल्की सी इस ग्रेवी को हम थिक कर लेंगे, तो थोड़ी सी देर इसको हम और गैस पे रखेंगे। तो ये तैयार हो गया है, और अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और बस गैस बंद कर देंगे। तो तैयार है रेशमी पनीर। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।